एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, क्या जेल में मिल रहा है शिजैन खान को वीआईपी ट्रीटमेंट? क्या है शिजैन खान का वीआईपी कनेक्शन? तुनिशा के लॉयर ने मीडिया से कही है बहुत बड़ी बात। किया है तुनिशा के लॉयर ने वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर बड़ा खुलासा। किस बात के लिए कोर्ट में पहुंचते ही ऑब्जेक्शन उठाया तुनिशा के लॉयर ने? क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, तुनिशा शर्मा के केस में लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं। 28 दिसंबर को कोर्ट में पेशी थी शिजैन मोहम्मद खान की। वेल इस पेशी में कई सारे मुद्दों पर हर एंगल से तहकीकात हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिसके बाद से ही किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई कोर्ट और ना ही पुलिस, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि कई सारी बातों को अभी भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ जहां पे शिजैन मोहम्मद खान बार बार अपने स्टेटमेंट्स को बदल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तुनिशा के लॉयर ने बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए एक बात के लिए ऑब्जेक्शन उठा दिया है। मोहित शर्मा हैं तुनिशा शर्मा के लॉयर, और उन्होंने बताया है कि जेल के अंदर एक कैदी को मिल रहा है घर का खाना। जी हाँ दोस्तों, तुनिशा के लॉयर इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट थे कि आखिर एक ऐसा अपराधी जिसने एक लड़की को जान देने पर मजबूर कर दिया, उस अपराधी को जेल के अंदर घर का खाना खिलाने की अनुमति कोर्ट कैसे दे सकता है। लेकिन इस बात को साफ करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले जज ने इस बात की मंजूरी दे दी थी, उस वक्त ये लॉयर जो हैं वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे और उन्हें इस बारे में कुछ भी खास पता नहीं था। ये पेशी 25 दिसंबर को ही हो गई थी और तभी अलाउ कर दिया गया था कि शिजैन को जेल के अंदर घर का खाना मिल सकता है। लेकिन तुनिशा के लॉयर ने इस बात का सख्त विरोध किया जब 28 दिसंबर को कोर्ट में पेशी के दौरान वो पहुंचे और उन्होंने कोर्ट से ऑब्जेक्शन लेटर लेकर इस बात के लिए कड़ी मंजूरी दिलाने के लिए कोशिश की है कि शिजैन को जेल का खाना मिले और घर का खाना उन्हें ना मिले, ताकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। वेल दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस पर, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।